हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आबिद हुसैन। आज के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक रेयर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है हर्पेगोफाइटम प्रोकुबेंस मदर टिंचर। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो प्लांट साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और इस पौधे को शैतानी पंजा भी कहा जाता है। इस मेडिसिन की जो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, साथ में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी हैं, इनके बेस पे हम कह सकते हैं कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और लॉस ऑफ मूवमेंट्स जो होते हैं किसी भी अफेक्टेड जॉइंट्स के, उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने में हेल्पफुल है मेडिसिन। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ ये मेडिसिन बहुत ही वैल्यूबल है, और इस मेडिसिन को ओल्ड एज के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया और क्यों इसको ओल्ड एज के लिए बहुत ही अवेलेबल मेडिसिन कहा जाता है। क्योंकि जो ओल्ड एज में मोस्टली जो जॉइंट्स रिलेटेड जो बीमारी होती है उनके मोस्ट प्रोबेबली सभी को कवर करती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, लॉस ऑफ कार्टिलेज, टेंडनाइटिस, गाउट, लम्बेगो, इन सभी बीमारियों में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और ये सभी बीमारियाँ मोस्टली ओल्ड एज में जाके हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ एक मैंने टर्म यूज़ करी टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस मतलब होता है कि वो मसल्स जो हड्डी से जोड़ती है, मसल्स को हड्डी से जोड़ने वाली को हम कहते हैं टेंडन। तो वहाँ जो इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है वहाँ मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और टेंडनाइटिस या टेंडन इंजरी के लिए दूसरी मेडिसिन आती है हमारे रूटा, ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बात करते हैं इसका जो अगला इसका जो एक्शन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्टअप करती है, डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देती है, भूख बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म जो है उसको बहुत ही अच्छा रखने में हेल्पफुल है मेडिसिन। अगला इसका जो सिम्टम्स है वो है स्किन पे, स्किन में जो एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वहाँ भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगला इसका जो सिम्टम्स है मेडिसिन का, जो कॉमन जो दर्द होते हैं, जो पॉइंट्स देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में जहाँ दर्द हमें देखने को मिलता है, जैसे कि नेक का हो गया, शोल्डर पेन हो गया, लंबर हो गया या फिर क्या बैक पेन हो गया, इन सभी दर्द को ठीक करने में बहुत ही वेलेबल होम्योपैथिक मेडिसिन है। इन सभी को ट्रीट करने में बहुत मदद करती है मेडिसिन। इसमें कुछ केमिकल्स कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनमें से पहला जो कंपाउंड है वो है हमारा फाइटोस्टेरॉल्स। फाइटोस्टेरॉल्स का जो काम होता है, ये हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो बेड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जिसको हम बोलते हैं, उसको कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है मेडिसिन। एक और केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है आयरिडोइड। ये हमारे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो ऑस्टियोपोरोसिस जो सिम्टम्स जो होते हैं, कंप्लेंट्स जो होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की, उनको कम करती है और उसको हील करने में, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को ट्रीट करने में बहुत ही मददगार है इन केमिकल कंपाउंड की वजह से। अब बात करते हैं हम इस मेडिसिन के डोज की, तो हमें हर्पेगोफाइटम जो मदर टिंचर है इसकी 15 से 20 ड्रॉप सुबह शाम और दोपहर लेनी है गुनगुने पानी के साथ में, और कोशिश करें खाली पेट रहें जब यह मेडिसिन आप यूज़ करें। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।